अच्छा, बेटे का उन लोगों ने शुरू किया था कि प्रोड्यूसर और कस्टमर के दरमियान कौन कौन आ सकता है, रिटेलर, होलसेलर और एजेंट, इन सबके क्या रोल्स हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं। खाली प्रोड्यूसर खुद ही नहीं बेच देता, इसका थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया था कि अगर आप अशरफ समोसे वाले की एग्जांपल ले लो, जो कि प्रोड्यूसर टू कस्टमर है, तो अशरफ समोसे वाला जो है उसके पास सिर्फ मोहल्ले के लोग आते हैं, मार्केट कंफाइंड है उसके। और अगर आप बाटा की लीवाइस की एग्जांपल ले लो, तो उनके केस में मार्केट एक्सपेंड कर जाती है, लेकिन हर जगह पर अपनी दुकान खुद खोलना पड़ती है, अपना ओन रिटेल नेटवर्क बनाना पड़ता है, उसमें इन्वेस्टिंग बढ़ती है। तो इस सूरत हाल की वजह से ये तीन लोग बीच में एग्जिस्ट करते हैं। पहले इनके रोल डिस्क्राइब कर लेते हैं। रिटेलर हम कहते हैं परचून वाले को, रिटेलर वो है जिससे हम खरीदते हैं, रिटेलर वो है जिससे हम खरीदते हैं, लिखे सबसे पहले। ही सेल्स टू फाइनल कस्टमर इन स्मॉलर क्वांटिटीज, भी पकड़े जरा थोड़ी सी। ही सेल्स टू फाइनल कस्टमर इन स्मॉलर क्वांटिटीज, ही सेल्स टू फाइनल कस्टमर, ही सेल्स टू फाइनल कस्टमर इन स्मॉलर क्वांटिटीज, ही प्रोवाइड्स ईज ऑफ एक्सेस, ही प्रोवाइड्स ईज ऑफ एक्सेस यानी चीजों को पहुंच में लाता है, ही प्रोवाइड्स ईज ऑफ एक्सेस, रिड्यूसेस नीड फॉर स्टोरिंग गुड्स एट होम, कॉमा रिड्यूसेस नीड फॉर स्टोरिंग गुड्स एट होम, नीड फॉर स्टोरिंग गुड्स एट होम इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, रिड्यूसेस नीड फॉर स्टोरिंग गुड्स एट होम इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, at a small scale can even provide advice to customers at a small step for sentence bolo kya likha that was selling good at home in very large quantities storing goods at home at, in very large quantities from stock uske baad at a small scale he can also provide advice and informal credit to customers. एडवाइस मशवरा दे सकते हैं। शेषन में नया टूथपेस्ट आया इस्तेमाल करके देखो तो, और इनफॉर्मल क्रेडिट भाई साहब आपसे कहते रहेंगे पैसे कला दिन को मसला ही है, इनफॉर्मल क्रेडिट आपको दे दिए उधार जी। मतलब ये कि बैंकिंग सिस्टम वगैरह के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नहीं है, आपस का हिसाब किताब है कि अच्छा शेर साहब का मुंडा है वो है उधार की कॉपी पे लिखा फिर दे जाएंगे फिर आप है सॉर्ट बता दी। ठीक हो गया जी, हमें रिटेलर का पता चल गया। उसके बाद बोर्ड की लाइन छोड़ के होलसेलर का रोल लिखिए, होलसेलर कौन होता है, होलसेलर वो होता है जो दुकानदारों को बेचता है। हमने अक्सर इश्तिहार भी सुना होगा कि होलसेल रेट पर लेना है, पर कि ये जो ठोकर न्याज के ऊपर है मेट्रो है वो भी शुरू शुरू में होलसेल होता था, बाद में आएगा शुरू में
छोटी क्वांटिटी शुरू की है। शुरू शुरू में मैं इंतजाम नहीं किया था, क्योंकि मैंने सुना यही था कि आप बड़ी क्वांटिटी में खरीद सकते थे, पैकेट ही खरीद के आपको बोतल लेनी है तो कार्टन लेंगे आप, टूट एक बोतल नहीं ले सकते हैं। तो जो क्या कहते हैं होलसेलर है उसका लिखें, ही सेल्स टू रिटेलर्स, ही सेल्स टू रिटेलर्स इन बल्क। लव उसकी रिटर्न, आप बात आप सही कह रहे हो, उसकी रिटर्न है बल्क। ही सेल्स टू रिटेलर्स इन बल्क ही प्रोवाइड्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन टू रिट ही प्रोवाइड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। होलसेल इसके अपने गोदाम हो गए ना, अगर आपने पेप्सी लेनी है तो आप पेप्सी कंपनी से नहीं लोगे, आप उनके डीलर से लोगे तो डीलर के पास माल होगा। ही प्रोवाइड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर बोथ प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। उसने इकट्ठी 1 लाख बोतलें उठा ली। हाँ बोलिए। ही प्रोवाइड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन टू बोथ प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। अच्छा उसके बाद तीसरा लिखिए भी एजेंट का लिखिए, when a business wants to produce, when a business wants to distribute and sell in a market which it is not familiar with, when a business wants to produce and sell in a market which it is not familiar with, in a market which it is not familiar with, which it is not familiar with। मिसाल के तौर पे हमने कल मिसाल दी थी कि आपने दुबई में वो ब्लॉक प्रिंट की बेडशीट बिकवा ली, अब आपको मुल्तान की सूरत दुबई की मार्केट का नहीं पता, परचेजिंग पावर क्या है, डीलर कौन है वहां के, मार्केट्स कहाँ कहाँ पर है, क्या टर्म्स निकलती है, बैंक्स को आप नहीं जानते, लोकल बैंक्स को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है वहां का, तो आप वहां का कोई लोकल बंदा पकड़ोगे कोई जो कि आपके बिहाफ पे वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स मैनेज करेगा। अगर आप रियलाइज करें तो हमारे यहाँ भी जो प्रॉपर्टी का काम है उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी एजेंट इस्तेमाल करते हैं, रियल एस्टेट एजेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके केस में अगर आप सेलर हैं तो वो बायर आपको ढूंढ के देता है, और अगर आप बायर हैं तो वो आपको सेलर अप्रोप्रिएट या अप्रोप्रिएट स्टॉक ढूंढ के देता है, तो वो बेसिकली बायर और सेलर के बीच में इंटरमीडियरी होता है वहां पर भी। तो यहाँ पर भी जब आप चीज यहाँ से मैट्रिक्स भिजवा रहे हैं तो वो वहां की मार्केट के साथ आपको कनेक्ट कर। तो अच्छा तो कुछ लोग एजेंट्स कैन ऑल्सो बी यूज, एजेंट्स कैन ऑल्सो बी यूज एजेंट्स कैन ऑल्सो बी यूज Agents can also be used when business does not want to get involved in distribution. When business does not want to get involved in distribution, like due to lack of resources or due to maintaining focus on other operations. Thank you. Thank you. Lacking resources or due to maintaining focus on other operations. Maintaining
फोकस ऑन अदर ऑपरेशंस। हमजा, अगर आपने कभी फूड पांडा का इश्तेहार देखा हो तो उनकी एक सर्विस है जिसमें वो घरों का सालन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो ये दुकानों पे होता है ना फूड पांडा का, एक उनकी सर्विस है कि घर का बना, मेरे घर में ज्यादा सालन बनाने कुछ है तो इस पर मानने वाले फूड पांडा वाले वो भी ले जाते हैं, सालन आप सेल कर सकते हैं कि घर का पका हुआ सालन भी है। तो अब उसके केस में आप है कोई और हाउस वाइफ है कुछ है, तो खाना बनाना आता है लेकिन मैं लोगों के पास जाके तकसीम नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती उसको। उसमें क्या होगा, जो वो फूड पांडा जो है उसके लिए एज एन एजेंट काम कर रहा है कि वो उसके घर से कलेक्ट करके वहां मिल जाएंगे, उसको पेमेंट देंगे चिकन कोरमा या जो उसके घर में बनाया। तो दैट एक्चुअली इज अ एग्जांपल कि यहां पे होंगे आपको लैकिंग रिसोर्सेज बनाने का, क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं करना, अगर रिसोर्सेज नहीं घरों में ही मुमकिन हो। चलो, ये हमें पता चल गया कि होलसेल रिटेलर, होलसेलर और एजेंट का काम क्या क्या है। जल्दी से अब हम आगे चलते हैं और अगला सवाल हमारे सामने ये पैदा होता है कि हमने बातचीत की थी कि अगर प्रोड्यूसर कस्टमर को बेचते तो उसमें दो रुकावटें हैं, या मार्केट कंफाइंड रहेगी या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए। फिर हमने कहा कि दरमियान में ये तीन पार्टी आ सकते, रिटेलर आ सकता है, होलसेलर आ सकता है और एजेंट आ सकता है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तीनों साइमल्टेनियसली यूज होंगी या इनमें से कुछ होंगी और कुछ नहीं होंगी। तो आंसर का जवाब है ये दोनों पॉसिबिलिटी। देर आर सर्कमस्टांसेस जब आप खाली रिटेलर को यूज करें, देर आर सर्कमस्टांसेस जब आप खाली जब आप होलसेलर को भी यूज करें, और देर कैन बी सर्कमस्टांसेस जब आप एजेंट से यूज करें। तो हम ये तय कैसे करते हैं कि हमने किसको यूज करना है और किसको यूज नहीं करना, उसके लिए आगे आप लिखें, हेडिंग लिखें बाबा इनाम का डिस्ट्रीब्यूशन रूल। बाबा इनाम का डिस्ट्रीब्यूशन रूल लिख लो बेटे, हेडिंग है क्या हो गया, लिखो बाबा इनाम का डिस्ट्रीब्यूशन रूल। सही बता रहा हूँ, बाबा इनाम का डिस्ट्रीब्यूशन रूल आप इसी दे रहे हो टीचर को, बाबा इनाम का डिस्ट्रीब्यूशन रूल लिखे जल्दी से। अच्छा, उसमें आप लिखें मोर द इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व, मोर का इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व, ये पैरा फॉर्म में पैरा रूल लिखवा रहा हूँ, मोर द इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर, बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर कॉमा वाइडर वुड बी मार्केट स्प्रेड, हाँ कॉमा वाइडर वुड बी मार्केट स्प्रेड वाइडर वुड बी मार्केट स्प्रेड एंड मोर इंटेंस वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मोर इंटेंस वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन। However, कम देखो होता है ये मोर कमीशन विल हैव टू बी पेड, हाउएवर मोर कमीशन विल हैव टू बी पेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स, कमीशन विल हैव टू बी पेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स There will be more time involved. There will be more time involved.
there will be greater risk. There will be greater risk. Due to more change of hands, due to more change of hands. उसके बाद आप लिखते हैं लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स आल्सो रेजेस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स. Large number of intermediaries also raises total distribution cost. And they are used only when there is sufficiently high volume of output. There is sufficiently high volume of output. There is sufficiently high volume of output. For production and distribution. Production and distribution. अच्छा मेरे बेटो, इसका मतलब क्या है इस रूल का? इसका मतलब ये है कि आप इन तीनों में से जितने लोगों को इन्वॉल्व करते जाते हैं, आपकी हमसे ही सुनना गया जुम्मे रजिस्टर करो, इन तीनों में से जितने लोगों को इन्वॉल्व करते जाते हैं आपकी मार्केट उतनी फैलती जाती है. वाइडर स्प्रेड ऑफ मार्केट का हमने लाभ देखा है. वाइडर स्प्रेड ऑफ मार्केट का मतलब ये कि ज्यादा इलाकों में चीज दस्तियाब. आप कह रहे हैं कि जी लाहौर में भी है, गुजरा वाले में भी है, सियालकोट में भी है, मुल्तान में भी है. वाइडर स्प्रेड इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जिस जगह पर दस्तियाब है वहां पर कितनी दुकानों पर अवेलेबल. मिसाल के तौर पर लाहौर में बेस्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम मिलती है तो लाहौर में शायद 7-8 जगह से मिलती होगी, और लाहौर में बॉल्स की आइसक्रीम जो है वो हो सकता है कम से कम 5,000 दुकानों से मिलती होगी लाहौर में. तो लाहौर की का कवरेज एरिया दोनों के लिए, बॉल्स के लिए भी और बेस्किन रॉबिन्स के लिए भी. लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉल्स की है वो इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्किन रॉबिन्स की नहीं है. ये मतलब है इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कि जितना ज्यादा आप इन लोगों को डालते हैं आपकी इंटेंसिटी उतनी बढ़ती जाती है. जैसे हम लोगों ने कल के साल में कहा था कि लाहौर में अगर 15,000 दुकानें हैं और आपने जस्ट सपोज 15,000 दुकानों में चीज करनी है, आमतौर पर 5-7,000 भी होता होगा, 15,000 दुकानों के लिए आपके पास आसान ऑप्शन क्या है? 15 होलसेलर चूज करें. कल हमने ये बात की, लेकिन 15 होलसेलर होंगे वो भी आगे से 10,000-11,000 दुकान को कर रहे हैं. तो ये जितनी चीजें आप हर दुकान पे आपको मिल जाती है, आप जाते हो हर जगह के ऊपर, ये हमका का फेवरेट जो है ये हिलाल कप केक पड़े हुए होते हैं हर जगह पे, पेप्सी और कोक में से एक चीज मिल जाती है हर जगह पे, से लक्स का साबुन और ये हेयर हेड एंड शोल्डर का शैम्पू मिल जाता है. उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि वो ज्यादा इंटरमीडिएट यूज कर रहे हैं. इशार उम्मीद कुछ हो एमन बेटे की बात समझ में आ गई? यस. अच्छा, ये आप लोग सब क्लियर हो गया. अब हम आगे चलते हैं और हम लिख लेते हैं अवेलेबल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अवेलेबल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि ये जरा आप सॉरी हेडिंग काटें, पहले लिखिए हाउ डू वी चूज How do we choose appropriate channel of distribution?
How do we choose appropriate channel of distribution? और उसमें पहला लिखें नेचर ऑफ गुड, पहला लिखें नेचर ऑफ गुड। हाउ डू वी चूज, रिमेंबर कल हमने चैनल देख लिए थे, चैनल 1 2 3 4, प्रोड्यूसर टू कस्टमर पहला था, प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कस्टमर दूसरा था, प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर कस्टमर तीसरा था, और प्रोड्यूसर एजेंट होलसेलर रिटेलर कस्टमर ये चौथा था। चार हमने चैनल किए थे, यानी चार रस्ते किसी गुड जा सकती है, इन चैनल पे मॉडिफिकेशन हो सकती है, सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, हाउ डू वी मेक अ चॉइस फॉर चूजिंग एप्रोप्रिएट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्राइटेरिया क्या है, नेचर ऑफ गुड, नेचर ऑफ गुड की इसकी नॉलेज क्या है, उसकी सब बुलेट्स लिखें, यूनिट साइज लार्ज और स्मॉल क्वेश्चन मार्क। अच्छा वैसे लिख लो, ये पेपर में इस तरह से लिखोगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेचर ऑफ गुड की सब बुलेट्स बना रहे हैं, और पहली सब बुलेट है यूनिट साइज स्मॉल और लार्ज, दूसरी सब बुलेट है यूनिट वैल्यू हाई और लो, यूनिट वैल्यू हाई और लो, यूनिट वैल्यू का मतलब ये है। और तीसरा लिखिए, अच्छा नहीं, दो सब बुलेट सीखी यूनिट साइज की और यूनिट वैल्यू की, उसके बाद मेन बुलेट्स पर वापस आते हैं। पहली मेन बुलेट आपने लिखी थी नेचर ऑफ गुड, दूसरी मेन बुलेट लिखी है फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी फ्रेजाइल टूटने वाली चीज बेटे, एफ आर ए जी, फ्रेजिलिटी हाई और लो। सब बुलेट्स नहीं है, बिल्कुल चलेंगे सारे। उसके बाद देखें, हाँ पैरामीटर्स है ना, आप उसपे गेज कर रहे हो रफली इसको। अगला मेन बुलेट क्या है, पेरिशेबिलिटी, खराब होने वाली, पेरिशेबिलिटी हाई और लो। अगला लिखें परचेज फ्रीक्वेंसी, हाई और लो। परचेज फ्रीक्वेंसी हाई और लो। अच्छा अब ये जरा इंस्पेक्टर को भी जल्दी से समझ लेते हैं। बेटे पहली चीज आपने लिखी है नेचर ऑफ गुड में कि वो चीज छोटी है या बड़ी है, होता क्या है कि छोटी चीज को कई हाथों से गुजारना आसान होता है। मिसाल के तौर पे मैं देखता हूँ कि टॉफियों के डब्बे होते हैं दुकानों में, जब वो राइटर्स लेकर आ रहे होते हैं तो वो एक ही मोटरसाइकिल के ऊपर पूरी मार्केट की टॉफियों की सप्लाई आ सकती है, तो उसमें कंपनी प्रोड्यूसर और रिटेलर ये चेन चलाना आसान है, एक हाथ से दूसरे हाथ में छोटी चीज को पकड़ाना आसान है। इसके कंट्रास्ट में फर्नीचर है, बेडरूम फर्नीचर है, बड़े बड़े बेड्स हैं, आप नोट करो तो वो मैन्युफैक्चरर्स ने आमतौर पे अपने शोरूम पर रखे हुए होते हैं, अपना ही शोरूम होता है। क्यों, उसकी वजह ये होती है कि वो अगर आप पहले बना के उसके होलसेलर को देंगे, वो ट्रक उधर जाएगा रिटेल में देगा, कहीं ना कहीं उसमें क्रैक आ जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी खराबी हो जाएगी, तो बड़े आइटम के लिए हाथों से गुजरना मुश्किल होता है, तो वो आमतौर पर छोटा चैनल रखते हैं, इंटरमीडिएट नहीं डालते। यही लॉजिक है महंगी चीज, आपके डायमंड्स है तो आप डायमंड अगर मैंने हंसा को बेचने, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं पहले इसको दूं ये उसको दे और उसके बाद ये हंसा तक पहुंचे, क्योंकि अगर मैंने 10 डायमंड भेजे तो रस्ते में सोच सकता है 2 चार काम हो जाए या सारे टाइम हो जाए, तो लॉजिकल है। कि ज्वेलरी के केस में भी क्या होता है कि वो या खुद बनाने वाले होते हैं या वो उसकी मार्केट पे बैठा होता है मैन्युफैक्चरर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसमें वो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं करते गोल्ड ज्वेलरी की। रिमेम्बर कुछ 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख से 1.5 लाख के दरमियान सब पर कीमत है,
एक अगर बड़ा हार है कुछ सेंटर में तो आते हैं कुछ लाख रुपए का होता है, एक हार की चोरी हो गया तो आपका पता नहीं कितने महीनों का प्रॉफिट उसमें अफेक्ट हो सकता है, कितने अर्से का प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है। डेगा चाह तो वहीं पर हो रहा होता है, इसलिए ये दूसरी बात की मुझे शायद वैल्यू थी। हाँ हमजा, अगला पॉइंट कौन सा था? फ्रेजिलिटी का। नाजुक और टूटने वाली चीजों को भी आप बहुत ज्यादा हाथों से नहीं गुजारते, क्यों? सेम लॉजिक है यार, जितने हाथों से गुजरेगा कहीं ना कहीं कोई रह जाएगा, चीज टूट जाएगी। और ये मैं तब कह रहा हूँ कि अगर हम फ्रेजाइल गुड्स की एग्जाम्पल करें, बर्तन क्रॉकरी वगैरह जो होती है, अगर आपने कभी उसकी पैकिंग देखी हो तो भूसे के अंदर रखी हुई होती है, उन्होंने 15 बार उसके बीच में बर्तनों के होते हैं, उसके बावजूद बहुत एहतियात रिक्वायर्ड होती है, एक दफा ढंग से गिर गई वो करके तो क्रैक आ गया तो 1,000 रुपए का बर्तन जो है। और रिमेम्बर सेट्स होते हैं, सेट का हर पीस जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, तो अगर डोंगा टूट गया तो आपका बाकी सेट बेचना मुश्किल हो जाएगा, उसमें भी फ्रेजिलिटी का एलिमेंट होता है, तो आप नहीं चाहोगे ज्यादा इंटरमीडिएट से इन्वॉल्व हो। पेरिशेबिलिटी भी सेम लॉजिक है, अगर खराब होने वाली चीज है जैसे गोश्त है, समोसे है, पिज्जा है, तो फूल है, इनके केस में आप चाहोगे कि जल्द अज जल्द हम कस्टमर को दे दें, उसमें बहुत ज्यादा चेंज ऑफ हैंड्स ना हो ताकि टाइम थोड़ा लगे कस्टमर में। दैट एक्सपीरियंस के पिज्जा कंपनी से अपनी दुकान को क्यों बोलती है, क्योंकि फास्ट फूड के केस में आई थिंक KFC के केस में मैंने सुना सुना था 7 मिनट की शेल्फ लाइफ होती है, 7 मिनट्स की। If I'm not mistaken, अगर 7 मिनट के अंदर उनका वो पैटी बर्गर नहीं बना तो they have to dispose it off। उसके बाद और पिज्जा के केस में शायद 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का टाइम होता है जिसके बाद टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाता है, सो दे डोंट वांट टू। इसीलिए आप देखो वर्ल्ड ओवर पिज्जा की होम डिलीवरी में वो टाइम कमिट करते हैं, 20 मिनट 25 मिनट इस तरह से जी, उसमें हम एक घंटा बताते हैं लेकिन उसमें आधा घंटा या 40 मिनट बनने ही होते हैं, डिलीवरी टाइम उसका 20 मिनट ही होता है जी। अगला कौन सा फैक्टर है? का मतलब है कितना बार बार खरीदनी है, ये हम लोगों ने कल की बात की कि जो चीजें आपने बार बार खरीदनी है उनके लिए आप ट्रेवल करने को तैयार नहीं होते, तो आपको पेप्सी की बोतल, लक्स का साबुन एवं शिदान का केचप, हिलाल का केस, ये सारा तो घर के करीब मिलना चाहिए, इसलिए इनके केस में इंटरमीडिएट ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, फिर कस्टमर आएगा, एजेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अलावा, ताकि इनकी घर के करीब तीन जगह से हो, अगर 15,000 दुकानें लाहौर में तो कम अज कम 5,000 दुकानों पर चीज अवेलेबल हो, तो उसके केस में इंटरमीडिएट जस्टिफाइड होते हैं। और अगर आप लोग नोट करो, मैंने आपको हाई फ्रीक्वेंसी की बताई है, ना इनमें से कोई लार्ज यूनिट साइज है, ना इनमें से कोई हाई यूनिट वैल्यू है टॉफी और कपकेक वगैरह, ना इनमें से कोई फ्रेजाइल है, ना इनमें से कोई ग्रॉसरी आइटम्स की एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो स्टोर्स वगैरह में मिलती है, ना इनमें से कोई पैरिशेबल है, ना इनमें से वो है कोई तो अब एक और लिखे अहमद इशार और उन्हें कम से कम एक डिटरमिनेंट और लिखे, नीड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एट द टाइम ऑफ परचेज, नीड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एट द टाइम ऑफ परचेज मेन बुलेट्स में आ असिस्टेंस एट द टाइम फॉर परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि बात चीजें ऐसी होती है तो जिसमें कस्टमर खुद से फैसला नहीं कर सकता कि उसने क्या लिया। इसकी बेंचमार्क एग्जांपल है, आप लोग क्योंकि गरीब लोग सारे तो मोबाइल फोन तो आप लोग रेडी करते रहते हो, सर इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, तो मेरे जैसे पेंडू होते हैं मुझे तो नहीं पता होता कि इसमें 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 क्या फर्क है, जब गाड़ी 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 के केस में टेक्निकल गाइडेंस होती है, गाड़ी के केस में
असल में कुछ फीचर्स उसके ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल के केस में तो वो सारे स्क्रॉल करके डिस्कवर करना पड़ता है ना, कि पेरेंट जैसे लोग उसका फोन करेंगे, वो अकेले चलाया व्हाट्सएप यूज कर लिया, ब्राउजिंग कर ली, तो जो उसके बाद के फीचर होते हैं, कल परसों के बच्चा बता रहा था इससे कि आईफोन में देखिए आपने मुझे इमेज भेजा है, मैंने उसका फिर उनका टेस्ट कॉपी किया है, तो वो वाली चीजें तो आपको करने आती है, डिस्कवर करना पड़ती है, तो वो वाले एस्पेक्ट होते हो या लैपटॉप सेक्सिंग। आप मेरे सामने कहो कि सर इसका बीच में ये वाला बीचे कार्ड लगा हुआ है, इसकी रैम ये है, इसकी रोम ये है, इसका प्रोसेसर ये है, ये पहली जनरेशन है, ये चौथी जनरेशन है, तो मुझे मेरे बड़ों को नहीं पता बेटे फर्स्ट जनरेशन और फोर्थ जनरेशन का क्या मतलब होता है, या ये मैं गेस कर दूंगा कि एडवांस है, उसके बाद में फर्क क्या है मुझे नहीं पता होगा, मुझे ये पता, मुझे चलो मैं मेरी यूथ से कनेक्टिव हूँ, मुझे पता होगा बीजे कार्ड से रिलेटेड टू ग्राफिक्स, लेकिन उसके बाद अच्छा वाला कौन सा, बुरा वाला कौन सा, मुझे नहीं पता होगा, तो ये वाली कुछ चीज में होती है, तो फिर समवन नीड्स टू एक्सप्लेन। बल्कि मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपकी मिसाल दे रहा हूँ, आप सब मोबाइल फोन प्रीपेड यूज करते हो, आज आपके सामने पोस्टपेड वाला कनेक्शन आ रहा है, तो उसके अंदर इतने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, आपके मंथली बिल पर डिपेंड करेंगे, लाइन रेंट कौन सा है, ऑन रेंट चार्जेस कितने होंगे, ऑफ रेंट कितने होंगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली का चार्जेस कितने होंगे, वीकेंड पे चार्जेस कितने होंगे, सब अलग अलग पैरामीटर्स है। इस वाला ये वाला पैकेज लोगे तो उसमें इंटरनेट इतना है, 3 मिनट्स कितने, ऑन रेंट कितने, ऑफ रेंट कितने, इसकी एक्सपायरी हफ्ते की है, इसकी एक्सपायरी 1 महीने की है, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी गाइडेड अबाउट, तो इस वजह से बात सी लेट्स की है, जहां पर आपको टेक्निकल गाइडेंस चाहिए होती है, लेकिन उसका हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्या ताल्लुक है, कि जब टेक्निकल गाइडेंस रिक्वायर्ड हो तो लॉजिकली चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन छोटा होना चाहिए, ताकि प्रोड्यूसर और कस्टमर के दरमियान फासला कम हो और वो कहीं ना कहीं से गाइडेंस पहुंच सके। अगर आप लोग नोट करो, कल मैंने आपको टेक्निकल गाइडेंस के कहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स आमतौर पर सेकेंड चैनल से मिलती है, प्रोड्यूसर चैनल कस्टमर, उसकी वजह ये होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इसमें आपको स्किल सर्विस रिक्वायर्ड होती है, तो वो तो गाइडेंस है, तो उसमें अगर आपका बहुत बड़ा इंटरमीडिएट से इन्वॉल्व होंगे बहुत ज्यादा, तो फिर वो गाइडेंस पास ऑन नहीं हो सकती। देखिए इस बात को, नीड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एट द टाइम ऑफ परचेज रिक्वायर्स स्मॉलर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या लेसर डिस्टेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। हाँ उसी का reduces the requires smaller channel of distribution or lower distance between producer and customer। अच्छा अब बेटे basically तो marketing से related place का काम था ना भाइयों, अच्छा लिख लो पहले, अच्छा अब बेटे अगर अच्छा अब बुक में हर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग दिया हुआ है कि वो किन हालात में सूट करेगा, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए हैं कि किस तरह हम फैसला करते हैं, तो पेपर में अगर आपको सवाल आता है कि इसके लिए कौन से दो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट करें और जस्टिफाई करें, तो ये तो मैंने आपको पैरामीटर सिखाए, आप इसी बेसिस के ऊपर सजेस्ट और जस्टिफाई करें, ठीक हो गया। अब मार्केटिंग से रिलेटेड जो प्लेस का काम था वो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है, अब इसमें एक बड़ी चीज रह गई जब हम आज शुरू कर देते हैं अगर खत्म ना भी हो पाए, वो है होम शॉपिंग स्लैश ई कॉमर्स। भाई मैं टॉपिक लिख पा रहा हूँ, अगस्त की तारीख जब भी सुस्ती हो, सॉरी आपका तो सही पता पहले हो रहा है, उससे पहले रिजल्ट आया 18 अगस्त से, पिछला अच्छा ए लेवल से पहले आ गया था, हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, हाँ तो 18 अगस्त जब सुस्ती हो
अच्छा कर दिया इंश्योरेंस में करेंगे बात। अच्छा होम शॉपिंग, ई कॉमर्स, ई टेलिंग, ये सारे नाम है। ई टेलिंग आप सारे जैसे बच्चे पे दराज से इनका इंतजार कर रहे होते हैं ये उसका उसका काम सकते। अच्छा इशार बेटे मुझे ये बताओ कि अगर मैं गुल अहमद की दुकान पे की वेबसाइट पर जाके ऑर्डर प्लेस करता हूँ अपनी शर्ट का, तो ये कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है? विशाल मैं गुल अहमद की वेबसाइट पर जाके अपने लिए ये स्वेट शर्ट मंगवाता हूँ, तो ये कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सर दी फर्स्ट वन। है? बिल्कुल सही। अहमद मुझे ये बताओ कि अगर मैं दराज डॉट पीके से अपने लिए डबल मंगवाता हूँ तो ये कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है? अहमद अहमद आर यू देयर? सर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 2। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस बेटे, जो दराज है वो हमारे लिए रिटेलर का काम कर रहा है। हम लोग कंपनीज की प्रोडक्ट दराज से मंगवा रहे हैं। मेरे घर में एक मोबाइल फोन दराज से मंगवाया जो कि आम मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था मॉडल, और वो सिर्फ दराज पे अवेलेबल था एंड सो ऑन।